फिर धरने पर किसान, सरकार को आज देंगे बिल पर अपनी आपत्तियां, कल अगले दौर की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। किसानों और केंद्र सरकार में बात न बन पाने के कारण प्रदर्शन अभी रुका नहीं है। किसानों ने आंदोलन को और धार देने की बात कही है, जिसके कारण दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिनों जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इस वजह से किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। अब आंदोलन का क्या हो रहा है? किसानों ने अपनी मांगे मनाने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है, यानी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अधिक संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है, यानी आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थायी घर बनाने की बात कह चुके हैं। सरकार और किसानों की बैठक में क्या हुआ? करीब 35 संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल समेत अन्य नेता शामिल रहे। किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दी गई, साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर जानकारी दी गई। हालांकि किसानों का एक ही सवाल रहा कि क्या सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाएगी? जब तक बातचीत खत्म हुई तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। 3 घंटे की चर्चा के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। बता दें कि 3 दिसंबर को फिर से चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या 3 दिसंबर को किसानों की मांग मानते हैं सरकार। और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।